साथियों नमस्कार। साथियों, जो करनाल कांड हुआ था, लाठीचार्ज किया था और उसमें हमने अगले दिन पंचायत की थी, मीटिंग की थी और उसमें फैसला लिया था 7 तारीख को बड़ी पंचायत करने का और उसके बाद डीसी दफ्तर का घेराव करने का, तो उसके लिए कल हमने इकट्ठे होना है। कल 7 तारीख है और करनाल अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे। कल 10 बजे का टाइम है, तो सभी भाई 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मंडी करनाल में पहुँचें और वहाँ से अगला निर्णय लिया जाएगा। तो मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी अपने मित्रों प्यारों को तैयार करें अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आप मैसेज दे सकते हो अपने साथियों को, तो कल 10 बजे नई अनाज मंडी करनाल में सब ने इकट्ठे होना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई पहुँचे। साथियों नमस्कार। साथियों, जो करनाल कांड हुआ था, लाठीचार्ज किया था और उसमें हमने अगले दिन पंचायत की थी, मीटिंग की थी और उसमें फैसला लिया था 7 तारीख को बड़ी पंचायत करने का और उसके बाद डीसी दफ्तर का घेराव करने का, तो उसके लिए कल हमने इकट्ठे होना है। कल 7 तारीख है और करनाल अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे। कल 10 बजे का टाइम है, तो सभी भाई 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मंडी करनाल में पहुँचें और वहाँ से अगला निर्णय लिया जाएगा। तो मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी अपने मित्रों प्यारों को तैयार करें अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आप मैसेज दे सकते हो अपने साथियों को, तो कल 10 बजे नई अनाज मंडी करनाल में सब ने इकट्ठे होना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई पहुँचे। साथियों नमस्कार। साथियों, जो करनाल कांड हुआ था, लाठीचार्ज किया था और उसमें हमने अगले दिन पंचायत की थी, मीटिंग की थी और उसमें फैसला लिया था 7 तारीख को बड़ी पंचायत करने का और उसके बाद डीसी दफ्तर का घेराव करने का, तो उसके लिए कल हमने इकट्ठे होना है। कल 7 तारीख है और करनाल अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे। कल 10 बजे का टाइम है, तो सभी भाई 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मंडी करनाल में पहुँचें और वहाँ से अगला निर्णय लिया जाएगा। तो मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी अपने मित्रों प्यारों को तैयार करें अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आप मैसेज दे सकते हो अपने साथियों को, तो कल 10 बजे नई अनाज मंडी करनाल में सब ने इकट्ठे होना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई पहुँचे। साथियों नमस्कार। साथियों, जो करनाल कांड हुआ था, लाठीचार्ज किया था और उसमें हमने अगले दिन पंचायत की थी, मीटिंग की थी और उसमें फैसला लिया था 7 तारीख को बड़ी पंचायत करने का और उसके बाद डीसी दफ्तर का घेराव करने का, तो उसके लिए कल हमने इकट्ठे होना है। कल 7 तारीख है और करनाल अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे। कल 10 बजे का टाइम है, तो सभी भाई 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मंडी करनाल में पहुँचें और वहाँ से अगला निर्णय लिया जाएगा। तो मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी अपने मित्रों प्यारों को तैयार करें अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आप मैसेज दे सकते हो अपने साथियों को, तो कल 10 बजे नई अनाज मंडी करनाल में सब ने इकट्ठे होना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई पहुँचे।